नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन सेशन लेकर फ्रेंड्स मेंसुरेशन 2D 3D का कंप्लीट निचोड़ पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक भी ऐसा टाइप नहीं है जो मैंने मिस कर दिया है, और फ्रेंड्स मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स, चाहे वो आपका SSC GD का एग्जाम हो और चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, दोनों एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो मैं सबसे बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को करेंगे, और इसकी एक खासियत बात है कि फ्रेंड्स जिन बच्चों को फार्मूला नहीं याद है, यहां पे मैं फार्मूला भी कंप्लीट आपको याद कराने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सबसे पहला क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है फ्रेंड्स, यदि एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है और इसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आयत का जो परिमाप होता है पेरीमीटर क्या होता है फ्रेंड्स? 2L+B होता है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। और आपसे मैदान का क्षेत्रफल पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स L×B, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए फ्रेंड, जो लंबाई चौड़ाई रेशियो में दिया रहा कर इसी को भुजा मान लिया कर, ये 5x और प्लस का कितना हो जाएगा 3x, इसी की जगह पे रख देंगे, लंबाई 5x हो जाएगा फ्रेंड, चौड़ाई कितना हो जाएगा 3x × 2 = आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड 480 हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 2 से काटेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 240, तो यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 5×3 = 8x = 240 हो जाएगा। तो 8 से काटेंगे तो फ्रेंड्स 8×3 = 24, x = कितना आ गया 30 आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, एरिया पूछा है, तो एरिया यानी जो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5x और 3x, तो यानी 5x × 3x कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 5×3 = 15x² हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। x का मान कितना आया फ्रेंड्स 30, यानी 15×30 का स्क्वायर कर देंगे, तो 30 का स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 900, यानी 15×900 कर देंगे फ्रेंड्स 15×9 = 135, यानी 13500। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? पहला ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है देखिए फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे यूपीपी जेल वार्डर हो, चाहे आपका जो है SSC GD हो, हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने समावेशन यहाँ पे किया है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक आयताकार मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर और 15 मीटर है। इस मैदान को टाइल जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर एवं 1 मीटर है द्वारा सीमेंटित किया जाना है, बताइए मैदान में कुल कितने टाइलों की आवश्यकता होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जब कभी भी टाइलों की संख्या निकालना रहे, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, लंबाई चौड़ाई दिया है कितना है 30 और 15 है। जो टाइल्स लगेगी फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए 30x15 का है, 2x1 में टाइल्स लगेगी, तो ऐसे ही तो टाइल्स लगेगी, तो यानी एरिया को एरिया से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, इस बात का ध्यान देना। तो 2×1, 2 से काटेंगे फ्रेंड्स कितनी बार कटेगा, 15×2 = 30, 15×15 में कितना हो जाएगा 225, यानी कितनी टाइल की आवश्यकता पड़ेगी, 225 टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी, यानी डी ही ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक बात और ध्यान समझना फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कभी कभी एग्जाम में आपके ये दोनों चीजें नहीं देता 1-2 मीटर, तो आपको इन्हीं का HCF निकाल के दोनों एरिया में डिवाइड कर देना, यानी जो इनका HCF आएगा फ्रेंड्स, यानी कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 30×15 और बटे इनका जब HCF निकाल देंगे, तो जो भी HCF मान लीजिए 5 आ गया, तो 5×5 इस तरीके से डिवाइड कर देंगे तो भी आ जाएगा, क्लियर है? तो इन दो तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, यदि दो गोलों के व्यास का अनुपात 3:5 है, तो उनके पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो अब देखिए फ्रेंड्स, चाहे व्यास का जो रेशियो दिया है 3:5 है, तो यही देखिए फ्रेंड्स रेडियस का भी रेशियो हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि फ्रेंड्स हाफ हाफ करेंगे तो वैसे वो कट जाएगा, क्लियर है? तो गोलों का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स क्या होता है 4
पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसी का सीधा सीधा स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 5 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 25, यानी जो इनका एरिया का स्क्वायर कर देंगे तो इन्हीं दोनों का स्क्वायर हो जाएगा 9:25। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 35.2 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। एक बात का हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, जिस भी फार्मूले में पाई दिखे और पाई का मान होता है 22/7, 22 11 का मल्टीपल होता है, तो ऑप्शन वही सही होगा जो 11 से कटे। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है फ्रेंड्स, आप विषम प्लेस को ऐड करिए, इवन प्लेस को ऐड करिए, उनके बीच का डिफरेंस या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए, तो वो संख्या 11 से कटेगी। देखिए फ्रेंड्स, 6 6 12 7 7 14 दोनों के बीच का डिफरेंस 2, ये नहीं होगा। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, 8 8 16 4 4 8 दोनों के बीच का डिफरेंस 8, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, 9 9 18 2 2 4 दोनों के बीच का डिफरेंस 14, ये भी नहीं होगा। यहाँ 9 5 14 8 6 14 दोनों के बीच का डिफरेंस 0, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो जो स्मार्ट बच्चा होगा सबसे पहले वो इसी से चेक करेगा, अगर दो ऑप्शन मैच करता है तो लगाना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, वृत्त की परिधि होता है 2πr, 2πr बराबर कितना दिया फ्रेंड्स आपको, 35.2 सेंटीमीटर दिया है, तो 2π का मान रख देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर बराबर कितना हो जाएगा 35.2। अब देखिए फ्रेंड्स, 11 से काटो, 11 2 22, इसको 11 से काटते हैं तो 11 3 33, 11 2 22 3.2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 2 4 8 32, 5 कितना आ जाएगा 0.8, रेडियस कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 7 8 56, यानी 5.6 रेडियस आ गया। आपसे एरिया पूछा है तो पाई का मान रख देंगे 22/7 इंटू 5.6 इंटू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5.6 हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 7 से काटेंगे 7 8 56, 0. कितना हो जाएगा 8। अब यूनिट डिजिट मिलाया करिए, देखिए फ्रेंड्स, 8 2 16 और 16 के 6 6 6 36, ऑप्शन वही सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 6 हो, एक ही ऑप्शन में 6 था, इस तरीके से भी कर देंगे, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपकी पहली प्रायोरिटी रहेगी कि आप 11 से ही चेक करेंगे, अगर एक ही ऑप्शन मिलता है तो टिक करके आगे बढ़िए, अन्यथा फिर आप लोगों को क्या कर देना है कि फ्रेंड्स लगाना पड़ेगा अगर दो ऑप्शन मैच करता है तो। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से कह रहा 18.6 सेंटीमीटर अधिक है, तो आपसे पूछा फ्रेंड्स वृत्त का व्यास क्या होगा। तो अब देखिए, एक बात का हमेशा ध्यान देना, वृत्त का व्यास डायामीटर बराबर होता है 2r, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा 2πr और माइनस का व्यास कितना हो जाएगा 2r, कितना ज्यादा है फ्रेंड्स 18.6 ज्यादा है। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, देखिए फ्रेंड्स 2r कॉमन है क्योंकि आपसे वृत्त का व्यास यानी 2r की ही वैल्यू पूछा भी गया है, पाई का मान रख देंगे 22/7 माइनस का 1 इज इक्वल, देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 18.6 हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो यहाँ से हो जाएगा 2r इंटू, अब देखिए फ्रेंड्स 7 91 7, 22 से 7 घटा देंगे, 12 में से 7 गया 5, यानी 15/7 इज इक्वल कितना हो जाएगा 18.6। अब देखिए फ्रेंड्स, 7 उधर चला जाएगा तो 2r बराबर कितना हो जाएगा 18.6 इंटू 7 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, 7 6 42 42 की 2 कितना आ गया 4, यही हो जाएगा 7 8 56 4 60 60 की 0 कितना आ जाएगा 6, 7 91 7 6 13 यानी कितना आ जाएगा 130.15। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बात तो तय है कि ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, क्लियर है, 15 से भाग करेंगे तो 15 8 120 120 यानी कितना बच गया फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 डेसिमल लगा देंगे तो यानी 100, 15 6 90
यही हो जाएगा फ्रेंड्स 15 छक्का 90। क्लियर है? तो यानी 8.68 सेंटीमीटर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? बाकी मैंने पूरी तरीके से कैलकुलेट कर दिया है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 48 मीटर है, तो मेज के कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स आयताकार मेज है तो यानी जो परिमाप हो जाएगा ऊपरी सतह का क्या हो जाएगा एल प्लस बी। केवल देखिए फ्रेंड्स ऊपरी सतह आपको एग्जामिनर गुमराह करने के लिए दिया है, इस बात का ध्यान देना। तो 2L+B बराबर कितना हो जाएगा 28। यूपी कांस्टेबल 2018 का सवाल है ये फ्रेंड्स। 2 से काटेंगे कितनी बार चला जाएगा 14। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्षेत्रफल 48 है तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 6×8=48 होता है, वो 8×6=14 होता है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो मेज का कर्ण यानी हो जाएगा आपका क्या होता है √L² + B² डायगोनल होता है, इस बात का ध्यान देना। आयत का विकर्ण तो इसी पर रख देंगे फ्रेंड्स, 6² + कितना हो जाएगा 8² यानी अंडर रूट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 36 और प्लस का 64 यानी इनको जोड़ देंगे फ्रेंड्स अंडर रूट 100 का मतलब कितना हो जाएगा 10 मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये भी बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी। अब देखिए फ्रेंड्स आप लोग की अप्रोच क्या होगी, मेरी देखना फ्रेंड्स जैसे ही मैंने 13 देखा मैं देखते ही बता दूंगा कि छोटी भुजा क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। कैसे देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ट्रिपलेट याद है 5, 12, 13 यही है। अब देखिए फ्रेंड्स इसका पेरीमीटर की बात करते हैं तो 12, 5, 17, 13 जोड़ देंगे पेरीमीटर 30। क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है एरिया। एक बात का हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर आपका समकोण त्रिभुज है तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, बेस आपका 5 हो जाएगा, हाइट 12, हमेशा कर्ण को छोड़ देना, इस बात का ध्यान देना। तो 2×12=6×5=30 देखिए एरिया भी है, यानी सब कुछ क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ए ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस टाइप का सवाल आएगा तो हमेशा ट्रिपलेट ही देगा। देखिए फ्रेंड 3 ट्रिपलेट आप अच्छे से याद की रहिए, एग्जाम में आपके एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं आएगा, आपके कांस्टेबल में हो चाहे SSC GD। 3, 4, 5, 5, 12, 13 और 7, 24, 25। अब हो सकता है फ्रेंड्स इसी के मल्टीपल में दे सकता है, जैसे इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देगा 3×3=9, 3×4=12, 3×5=15, इस तरीके से भुजाएं देख के मिले देखने को मिल सकती हैं। लेकिन 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25 ये ट्रिपलेट बेहतर तरीके से आप लोग याद किए रहिए, इस बात का ध्यान देना। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि समझ गए होंगे बातें, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। अब देखिए फ्रेंड चक्कर कितने लगाने होंगे तो यानी 2πr, यही तो है फ्रेंड, जब कभी भी चक्कर लगाएंगे तो इसी के चारों तरफ लगाएंगे, यानी 2πr बराबर कितना है 792 मीटर है। क्लियर है? यहां पे त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया है, इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं तो इंटू 100 कर देंगे, 2π का मान रख देंगे 22/7, रेडियस 21 दिया है इंटू एन, मान लेते हैं एन चक्कर लगाता है, इज इक्वल 792 इंटू कितना हो जाएगा 100, इसको भी मैंने सेंटीमीटर में बदल दिया। 7 से काट देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 7×3=21, 11 से काटेंगे 11×2=22, इसको 11 से काटेंगे 11×7=77, 11×2=22, अब यहां देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 3×2=6, 6×2=12, 12 से काटेंगे 12×6=72, तो n बराबर कितना हो जाएगा 600, यानी कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे फ्रेंड्स 600 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है फ्रेंड्स, यूपी कांस्टेबल 2019 का सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 2160 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 5:3 के अनुपात में है तो खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स हमने कहा लंबाई को 5x मानो, चौड़ाई को 3x, 5x इंटू 3x एरिया दिया गया है कितना 2160,
अब आपसे देखिए फ्रेंड्स, लंबाई का रेशियो पूछा गया है और एरिया का पूछा गया है, यानी एल इंटू बी का रेशियो पूछा गया है, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स, लंबाई तो आपके पास कितनी हो जाएगी, 5x। अगर हम एरिया की बात करते हैं तो 5 × 15x² इसी की वैल्यू चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, 1x है तो 1x कैंसिल हो जाएगा, 5 × 15 यानी 1:3x की वैल्यू चाहिए, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, x की वैल्यू निकाल देते हैं, तो यहाँ से इस किसको काट देंगे, 5 से पहले काटते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 × 20, 5 × 20 16 हुआ, 5 × 15, 5 × 2 = 10, 3 से काटेंगे फ्रेंड्स कितनी बार चला जाएगा, 3 × 3 = 12, 3 × 12 = 12, x² = 144, तो x बराबर कितना हो गया, 12, x बराबर 12 आ गया। आपसे पूछा है फ्रेंड्स, आपसे खेत की लंबाई और चौड़ाई पूछा है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना, ये रेशियो नहीं पूछा गया है। अब यहाँ ध्यान देना, लंबाई कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 5x है तो कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, लंबाई चौड़ाई दिया है, लंबाई और इसके एरिया में पूछा होता तो यहाँ पे रख देते, तो 5 × 3x, एक्स का मान 12 रख देते तो 1:36 आ जाता। इस टाइप का भी सवाल कांस्टेबल में पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया है, क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है, एबीसी एक समभुज त्रिकोण है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर हैं। यदि भुजाओं एबी बीसी सीए के मध्य बिंदु क्रमशः पीक्यूआर है तो पीक्यूआर त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, इस बात का ध्यान देना, यानी जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, यानी ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, इनके मध्य बिंदु देखिए फ्रेंड्स ये हो जाएगा P, इनके मध्य बिंदु ये हो जाएगा Q और इनके मध्य बिंदु ये हो जाएंगे R, इनको आपस में मिला दीजिए, तो जो आपका PQR का यानी ये वाला एरिया आपसे पूछा गया, तो देखिए फ्रेंड्स एरिया को कितने पार्ट में हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, जो मुझे फार्मूला पता है वो कंप्लीट एरिया का पूछा है, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3/4 a² होता है, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, ये किसका फार्मूला है आप सभी लोगों का, ये फ्रेंड्स अंडर रूट 3/4 a² ये आपके जो है समकोण त्रिभुज के एरिया का फार्मूला है, क्लियर है, यही है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे हो जाएगा अंडर रूट 3/4, a का मान 4 है तो 4 × 4, अब देखिए फ्रेंड्स ये कितने हिस्से हैं, 1, 2, 3, 4, तो इंटू कर दीजिए 1/4, तो 1 4 से ये 4 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो एरिया कितना बचा, √3 सेंटीमीटर² ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल भी बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा वृत्त के मध्य बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उस वृत्त की जो जीवा मध्य बिंदु से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है उसकी लंबाई कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो एक बात का ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स आपके पास क्या कह रहा है, कि एक सर्कल है, क्लियर है, ये आपका एक सर्कल है, कह रहा है 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा वृत्त के मध्य बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब देखिए ये फ्रेंड्स आपका ये 5 सेंटीमीटर दिया है, ये कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर है। एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, जो जीवा के मध्य केंद्र से जो भी लाइन खींची जाती है वो जीवा को जो है दो बराबर भागों में बांटती है, तो 24 है तो इसका मतलब ये 12, ये 12, यही हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, एक आपसे और कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा और खींची गई है, क्लियर है, एक जीवा वृत्त की जो जीवा मध्य बिंदु से 12, अब ये देखिए ये दूरी आपको कितना दिया है, 12। तो देखिए फ्रेंड्स आपको अभी अभी हमने कहा 5, 12, 13 आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए, तो अगर मैं इसकी रेडियस निकाल देता हूं तो फ्रेंड्स ये रेडियस कितना हो जाएगा, 13। तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं इसको यहां भी मिला दूं, रेडियस आपस में बराबर होता है, इस बात का ध्यान देना, तो ये भी 13, तो ये 13, ये 12, तो ये कितना हो जाएगा, 5, तो ये 5, तो ये पूरा कंप्लीट कितना हो जाएगा, 5, 5, 5 कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, त्रिज्या के बराबर ऊंचाई वाले सिलेंडर का वक्रित पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कह रहा है गोले के वक्रित क्षेत्रफल के बराबर है, तो सिलेंडर के आयतन और गोले के आयतन का अनुपात क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल है, आसान भी है। तो आप सभी लोग देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं एक क्वेश्चन हमेशा होमवर्क देता हूँ, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा किसका आंसर क्या होगा। नहीं आता तो फ्रेंड्स, एक मेरी क्लास चलती है टॉप 10 की, जो कल आपको मिलेगी, तो फ्रेंड्स उसमें इसका मैं कैलकुलेशन यानी इसको मैं सॉल्व करवा दूंगा, नहीं आता है तो। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे कह रहा है फ्रेंड्स सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज तो है नहीं, इस बात का ध्यान देना। तो अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तो आपको एक हीरोंस फार्मूला का फार्मूला पता होना चाहिए, हीरोंस फार्मूला का एरिया पता होना चाहिए। अंडर रूट होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस का बी, और क्या होता है फ्रेंड्स एस माइनस का सी। एस क्या है फ्रेंड्स, आपका अर्ध परिमाप है यानी सेमी पेरी मीटर है। ये कैसे निकलता है फ्रेंड्स, सभी पेरी मीटर का आधा कर दो, 7, 8, 9 बटे कितना हो जाएगा 2, 8, 7, 15, 9, 24, 24 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा 12, आएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब यहाँ पे इसी फार्मूले पे रख दीजिए, अंडर रूट कितना हो जाएगा 12। अब देखिए फ्रेंड्स, 12 में से 7 घटा देंगे कितना हो जाएगा 5, इंटू 12 में से 8 घटा देंगे कितना हो जाएगा 4, इंटू 12 में से 9 घटा देंगे कितना हो जाएगा 3। मैं 12 को लिख सकता हूँ फ्रेंड्स 4 तिहाई 12, तो देखिए फ्रेंड 4 4 हो गया 3 3, तो यानी 4 तिहाई 12 आपका बाहर हो जाएगा, अंडर रूट कितना आ गया 5, यही तो जाएगा। तो फ्रेंड्स 12 अंडर रूट 5 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे, इस तरीके से बड़े आसानी से कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, यदि समान आयतन के दो लंबवृत्तीय सिलेंडर के त्रिज्या का अनुपात 3:1 दिया है तो इनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इसको आर वन एच वन मान लेते हैं अपान इसको क्या मान लेते हैं फ्रेंड्स, पाई आर टू स्क्वायर एच टू, यही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो आर वन की जगह पे देखिए फ्रेंड्स 3 का स्क्वायर कर देंगे और इनटू कितना हो जाएगा एच वन, यही हो जाएगा। इनके देखिए फ्रेंड्स आयतन, आयतन यानी क्या हो जाएगा, इसको भी वन मान लेते हैं, इसको भी टू मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 3 स्क्वायर इंटू एच वन हो जाएगा, यहाँ पे आर टू बराबर 1 रख देते हैं, 1 का स्क्वायर इंटू एच टू। तो अब एच वन इंटू एच टू का मान पूछा है, तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं इसके क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो अब देखिए फ्रेंड्स अगर मैं इसको इधर लेके चला जाऊँ तो ये देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू एच वन इज इक्वल क्या हो जाएगा 1 इंटू एच टू हो जाएगा कि नहीं। तो इज इक्वल देखिए फ्रेंड्स यहाँ वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से कोई लेना देना है नहीं, तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स आपका इधर एच टू हो जाएगा इधर एच वन, तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 9/1 इज इक्वल एच टू को ऊपर ले जाएंगे एच वन को नीचे लाएंगे, यही तो है। तो एच वन यानी 1 आ गया, एच टू कितना आ गया 9 आ गया, इस बात का ध्यान देना, इसी का जस्ट अपोजिट कर देना था, तो यानी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1:9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल था, इस बात का ध्यान देना। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स अगर फार्मूला याद है तो बड़ी आसानी से कर लेंगे। ये भी यूपी कांस्टेबल का जबरदस्त सवाल पूछा हुआ है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर है, उनके तदनुरूपी भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, उनकी तदनुरूपी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, उनकी तदनुरूपी भुजाओं के अनुपात के घन के बराबर होगा, उनकी तदनुरूपी उचत्व के अनुपात के बराबर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, हमेशा वर्ग के बराबर होगा, इस बात का ध्यान देना। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए। जब कभी भी फ्रेंड्स वस्तु पिघलाई जाएगी तो वॉल्यूम को इक्वल किया करिए। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, गोले को पिघलाया जा रहा है तो जो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, और शंकु का आयतन होता है फ्रेंड्स 1/3 πr² h। तो देखिए फ्रेंड्स 3 से 3 कैंसिल
कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। फोर, अब देखिए गोले का जो रेडियस दिया है 10 है, तो 10 का क्यूब है तो 10 × 10 × कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल। आर स्क्वायर है तो फ्रेंड्स आर स्क्वायर हाइट कितने दिया है तो 10 रख दीजिए, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आर स्क्वायर बराबर देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 400 हो गया कि नहीं, 4 × 10 × 10 करेंगे 400, तो रेडियस कितना हो गया, ये किसका वर्गमूल है 20 का, तो रेडियस अगर 20 आ गया तो व्यास, व्यास कितना हो जाएगा फ्रेंड्स रेडियस का 2 टाइम होता है यानी 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स यानी बी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है, आपसे कह रहा है भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है, तो भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी मुझसे किसकी लंबाई पूछा है 2l + b का मान चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स जाप से कह रहा है जो लंबाई है चौड़ाई की तिगुनी है, तो इसको x मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3x, यही है इनका एरिया दिया है तो 3x × x बराबर कितना दिया है फ्रेंड्स 768, 3 से काट देंगे फ्रेंड्स 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 16, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, एक्स स्क्वायर बराबर 256 आ गया, तो ये किसका वर्गमूल है 16 का, एक्स बराबर कितना आ गया 16। अब देखिए फ्रेंड्स पेरीमीटर पूछा है तो 2 3x में x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 4x, x का मान 16 है तो 2 × 4 × कितना हो जाएगा 16, तो 4 × 2 = 8 16 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 128 मीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है और इस टाइप का देखिए फ्रेंड्स एक सवाल मैं करा चुका हूं, ये लोग आप लोग सेल्फ से करिएगा, कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे ले आया हूं जो आप लोग खुद से करेंगे, इस टाइप का सवाल मैं करा चुका हूं। इस बार आयत की लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो आंसर क्या होगा आप लोग इसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है, तो कह रहा सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने कहा फ्रेंड जब कोई वस्तु पिघलाई जाती है हमेशा वॉल्यूम को इक्वल किया करिए, गोले का आयतन होता है फ्रेंड 4/3 πr³, अब सिलेंडर का जो आयतन होता है कितना होता है फ्रेंड्स आप सभी लोगों का πr² h होता है कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर पाई से पाई कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 4/3। अब देखिए गोले का आयतन 9 दिया है तो 9 × 9 × 9 इज इक्वल कितना हो जाएगा यहां से, अब देखिए फ्रेंड्स आपसे क्या पूछा है गोले की, अब 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला 3 सेंटीमीटर का दिया है तो 3 × 3 3 का स्क्वायर कर देंगे इंटू हाइट हमको चाहिए, 3 × 9 = 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 × 9 कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12 × 9 = 108, हाइट पूछा था तो कितना हो जाएगा 108 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यानी सी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है एक बंद बॉक्स की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कह रहा 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, बॉक्स की बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल कह रहा 592 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि बॉक्स की दीवारें एक समान मोटाई x सेंटीमीटर की है तो x का मान क्या होगा। अब ध्यान समझिएगा, तो आपसे क्या पूछा फ्रेंड्स चारों दीवारों का यानी आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा गया, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स घनाव के 2 आपका क्या होता है फ्रेंड्स 2lb प्लस का bh और प्लस का क्या होता है hl। अब देखिए फ्रेंड्स लंबाई समान है मोटाई x सेंटीमीटर है तो लंबाई l बराबर कितना हो जाएगा 10 + 2x हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो फ्रेंड चौड़ाई कितना हो जाएगा b + 2x और अगर हम बात करते हैं h की तो कितना हो जाएगा फ्रेंड 6 + 2x हो जाएगा कि नहीं, आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। एरिया देखिए फ्रेंड्स 592 दिया है तो 592 इज इक्वल कितना हो जाएगा 2lb बराबर कितना हमने मान लिया है फ्रेंड्स यहाँ पे 10 + 2x और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 10 + 2x b बराबर कितना है 8 + 2x यही हो जाएगा प्लस।
अब बी एच बराबर देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा आपका 8 + 2x, बी और एच बराबर कितना है 6 + 2x, कर देंगे कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। प्लस एच एल, एच बराबर कितना है 6 + 2x, एल बराबर कितना है फ्रेंड 10 + 2x दिया है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही दिया है। अब बहुत सारे बच्चे इसको लगाने बैठोगे तो बड़ा मुश्किल होगा, इस बात का ध्यान देना। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक इंटीजर नंबर एरिया दिया है, तो इसका मतलब थोड़ा सा सेंस लगाना है कि इंटीजर नंबर एक रखते हैं। एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 10 × 2 = 12, एक रखेंगे यहाँ पे 12 और 8 × 2 = 10, 12 × 10 में कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। प्लस अब यहाँ पे देखिए एक रखेंगे तो 8 × 2 = 10, यहाँ कितना हो जाएगा 6 × 2 = 8, तो 10 × 8 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। प्लस यहाँ पे देखिए फ्रेंड 6 × 2 = 8 और 10 × 2 कितना हो जाएगा 12, तो 12 × 8 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। इज इक्वल टू 120 में 80 जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 200, यानी 2 × कितना हो जाएगा 296। अब देखिए 2 × 296 करोगे कितना आ जाएगा 592। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड फ्रेंड्स यही आपका क्या किया सेटिस्फाइड कर गया, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से सेंस आपको एग्जाम में लगाना है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिकोण के एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, उपरोक्त त्रिकोण के परिवृत्त का क्षेत्रफल लगभग क्या होगा? एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर आपके पास समबाहु त्रिभुज दिया है तो समबाहु त्रिभुज की जो परिवृत्त की त्रिज्या आर होती है वो कितना होता है भुजा अपान √3। अगर हम बात करते हैं अंतः त्रिज्या की बात करते हैं स्मॉल आर बराबर तो होता है भुजा अपान √2। कल को हो सकता है से पूछ लिए समबाहु त्रिभुज का होता है। क्लियर है? अब ध्यान समझिए फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे आपसे रेडियस निकाल लो, आर बराबर कितना है 21/√3। 21 को आप 7 × 21 लिखते हैं लिख सकते हैं, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स √3 × √3 लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर अपान √3। ये तो कैंसिल हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 7 × √3 इंटू कितना हो जाएगा 7 × √3। पाई का मान रख देंगे फ्रेंड्स यहाँ पे 22/7, 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए फ्रेंड्स 22 × 7 कितना हो जाएगा 154 इंटू कितना हो जाएगा 3, यही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका √3 कितना हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स 7 से 7 कैंसिल हो गया, 1 से 7 बच गया, 3 × 3 √21, यानी 22/7 = 154 × 3, 3 × 4 = 12 की 2, एक ही ऑप्शन में 2 है 462 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से आप लोग भी एग्जाम में किया करिए। अब रूट में तो आंसर नहीं आएगा, ये बात तो कन्फर्म है, ये दो ऑप्शन आपके इलिमिनेट हो गए, एक ही ऑप्शन होगा कौन सा बी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है फ्रेंड। क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में है, यदि लंबाई 20% चौड़ाई 25% बढ़ जाती है जबकि ऊंचाई 25% कम हो जाती है, तो कमरे की कह रहा फ्रेंड्स चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स जो लंबाई आपको दिया है चौड़ाई दिया है ऊंचाई का रेशियो कितना दिया है 5:4 कितना दिया है 2। अब देखिए फ्रेंड कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2l + b × h होता है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए फ्रेंड्स लंबाई को 20% बढ़ाया गया है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, 5 का 1/5 करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 1 आएगा यानी लंबाई कितनी हो जाएगी 6। वैसे ही फ्रेंड्स अगर आपसे कह रहा है कि चौड़ाई 25% बढ़ जाता है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी 4 का देखिए फ्रेंड्स 1/4 कर दोगे, 4 से 4 कैंसिल कितना आएगा 1, 1 बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 5,
ऊंचाई कह रहा 25% कम हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, दो है, दो था 25% का मतलब 1/4, दो का 1/4 कर दोगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा आपका, 2 × 2 = 4 यानी 0.5 कम हो जाएगा। तो यानी हाइट कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगर कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमने क्या कहा फ्रेंड्स, 2l + b × h, 2l + b कर देंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 × 4 = 9 और इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 9 × 2 = 18, 2 × 2 = 36 पहले हो गया। अब यहां पे देखें फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 2 × 6 = 5, 11 × 1.5। तो देखिए फ्रेंड्स 1.5 × 2 करेंगे 3 हो जाएगा, 3 × 11 करेंगे 33। एरिया पहले 36 था, 33 कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो बढ़ने वाला तो ऑप्शन इलिमिनेट हो गया। कितना कम हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, 3 कितने में, 36 में, तो 12 × 36 1/12 एरिया कम हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन था, यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। यूपी कांस्टेबल 2018 का सवाल है, इस बात का ध्यान देना, बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है एक कमरे में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:4:2 है। यदि एक नए कमरे में लंबाई को 40% चौड़ाई को 25% बढ़ाया जाता है तो कमरे के चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल को समान रखते हुए कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 5:4:2 दिया है। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, लंबाई को 40% बढ़ाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 5 का 40% निकाल दो, 5 का 40% निकालेंगे, 0 से 0 कैसे, और 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4, 2 बढ़ जाएगा तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 7। 25% का मतलब 1/4, 4 का 1/4 निकालेंगे, 1 बढ़ेगा तो 5। अब देखिए फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कमरे के चारों दीवारों को क्षेत्रफल को समान रखना है, यही है। अब देखिए फ्रेंड्स कमरे के चारों दीवारों के क्षेत्रफल को अगर मैं समान रखूं तो यहां पे देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 2l + b × h अभी बताया, तो कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 9 × 2 इज इक्वल इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 × 7 = 5 = 12 और इंटू कितना हो जाएगा, h हो जाएगा कि नहीं, 2l + b × h, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको 2 से काट देंगे तो 2 × 6 = 12, 3 से काट देंगे 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 1.5। तो हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 1.5 आ गई, हाइट कितनी आ गई, 1.5। अब आपसे कह रहा है कमरे के आयतन में क्या बदलाव होगा, तो देखिए फ्रेंड्स 5 से 5 को काट दो तो l × b × h होता है, तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, यही हो जाएगा। यहां पे देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 15 × 7 = 105, यानी कितना हो जाएगा, 10.5। तो यानी देखिए आयतन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इस बात का ध्यान देना, ए ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए 8 से कितना बढ़ गया फ्रेंड्स, 2.5 बढ़ जाएगा, कितने में, 8 में, और इंटू कितना कर देंगे, 100। देखिए फ्रेंड्स यहां से एक डेसिमल है, इसको हटाएंगे 1 0 बढ़ जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 25 × 5 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 125/4, 4 से भाग करेंगे, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, 31 something आएगा, 31.25% बढ़ जाएगा, यानी बी वाला ही ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है 40 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, 3.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर घास लगवाने का खर्च क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे आपके पास कह रहा है एक आयताकार मैदान है, ये 40 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है, अब कह रहा है फ्रेंड्स 2.5 मीटर चौड़ा इसके बाहर रास्ता है, ये 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, क्लियर है, ये 2.5 मीटर है। तो अब देखिए फ्रेंड्स ये 2.5 मीटर क्या है, चौड़ा रास्ता चारों तरफ बना हुआ है, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। तो अब देखिए फ्रेंड्स आपसे कह रहा है घास लगवाने का खर्च इसका मुझे चाहिए, तो इसका मतलब अगर मैं बड़े वाले एरिया से अंदर वाला घटा दूं तो रास्ते का एरिया मिलेगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर वही मिलेगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं टोटल लंबाई 40 इधर थी, 2.5 इधर बढ़ गई, 2.5 इधर बढ़ गई तो लंबाई कितनी हो गई, 45 इंटू, अब चौड़ाई 30 थी तो 2.5 इधर बढ़ गई, 2.5 उधर बढ़ गई, तो 30 × 5 कितनी बढ़ गई, 35, माइनस का अंदर वाला घटा देना फ्रेंड्स 40
गुणे कितना कर देंगे 30। अब देखिए फ्रेंड टोटल एरिया जो आएगा उसी में 3.5 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए फ्रेंड्स 45 गुणे 35 कर दो, 45 गुणे 35 देखिए फ्रेंड्स मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड 25 की 5 कितना आ गया आपका कैरी 2, अब 5 चौके 20 और 5 तिहाई 15, 20 और 15 जोड़ देंगे 35, 35 दो 37, 37 की 7 3 आ गया, 4 तिहाई 12, 3 15 कितना हो जाएगा 1575 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, माइनस का कितना कर देंगे 1200, घटा देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से 375 और इंटू कितना कर देंगे 3.5, 3.5 रुपए है। 375 गुणे 3.5 कर देंगे तो फ्रेंड्स आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स एक बात तो तय है कि डिसिमल में ही आंसर आना है, तो डिसिमल में आएगा तो फ्रेंड्स इसका 3, अब देखिए यहाँ 75 है, 3 तरीका 9 75 से करेंगे, देखिए फ्रेंड्स एक भी ये ऑप्शन नहीं होंगे, एक ही ऑप्शन है कौन सा, ए वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप गेस करके भी आंसर को कर देखिए फ्रेंड्स, ये बी और डी तो बिल्कुल नहीं होगा, 1000 नहीं होगा, एक ही ऑप्शन होगा, ए वाला ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स एक सर्कस के शंकु आकार वाले तंबू के लिए कितने वर्ग मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी यदि उसकी ऊंचाई 35 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर शंकु है जो कपड़ा लगेगा ये ऊपर ही लगेगा, इस बात का ध्यान देना, यानी मुझको क्या चाहिए फ्रेंड्स कर्व्ड, यानी क्या चाहिए फ्रेंड्स शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल। अब आपको देखिए फ्रेंड्स यहां से हाइट कितना दिया है 35 मीटर और आपको देखिए फ्रेंड्स रेडियस कितना दिया है 84, तो एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने अभी आपके अभी अभी आपको बताया था फ्रेंड्स 5, 12, 13 ट्रिपलेट या 7, 24, 25 बताया है, 7, 24, 25। अब देखिए फ्रेंड्स ये 7, 5, 35 हो जाएगा, ये 12, 7, 84 यानी 7 × 12, तो यानी देखिए फ्रेंड्स 5, 12, 13 भी हमने आपको ट्रिपलेट बताया था, तो ये देखिए फ्रेंड्स ये 7 है, ये 12 है, यही तो है फ्रेंड्स, सॉरी ये आपको कितना है 5 है 12 है, तो इसका मतलब ये 7 गुना है, तो यानी जो आपका स्लैंट हाइट L, ये देखिए फ्रेंड्स ये स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं, तो अब इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे बहुत समय लगेगा, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स 7, 5, 35, 12, 7, 84, 5, 12, 13 यानी स्लैंट हाइट L बराबर कितना हो जाएगा 13, 7, 91। अब इसी पर रख दीजिए पाई का मान 22/7, रेडियस आपको कितना दिया है 84, स्लैंट हाइट कितना आ गया 91, 7 से काटेंगे 12/7, 84 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए फ्रेंड्स इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4, 9 = 9। अब देखिए फ्रेंड्स सारे ऑप्शन में ही 4 है, या तो एक तरीका है डिजिटल सम लगा दो, 9 को कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ 1 × 2 कितना हो जाएगा 3, 4 × 3 × 1, 4 तिहाई 12 = 12, 12 को आपस में जोड़ देंगे 3, ऑप्शन वही सही होगा जिसका डिजिटल सम 3 हो। अब देखिए फ्रेंड 4, 2, 6, 4, 10, 1, 11, 11 का डिजिटल सम 2 ये नहीं होगा, 4, 2, 6, 8, 6, 14, 14, 2, 16, 7 ये भी नहीं होगा, 4, 2, 6, 2, 8, 4, 12, 12 का डिजिटल सम 3 ये होगा, यही हो सकता है फ्रेंड्स 4, 2, 6, 2, 8 ये नहीं होगा, यानी सी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस तरीके से देखिए फ्रेंड डिजिटल सम आप लोग जरूर देख लीजिएगा, मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं जाके जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा फ्रेंड्स, ये भी बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। एक घन के आकार के एक टैंक की भुजाएं 6.25 मीटर, 4.20 मीटर तथा 3.15 मीटर की है, पानी से पूरी तरह भरे हुए टैंक का 2 दशमलव तक सही आयतन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है इसको, आप आयतन का मतलब होता है L × B × H, 6 × 2.5 इंटू कर देंगे 4.20 इंटू कर देंगे 3.15। एक बात तो तय है कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 6 डिजिट के बाद, तो एक जगह तो 0 है, एक जगह के 5 है, तो यानी एक ही देखते ही आपका पता चल जाएगा डी वाला ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स डेसिमल के 2 डिजिट तक बताना है, तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका जो आंसर होना चाहिए क्या हो जाएगा डी वाला, लेकिन डेसिमल के 2 डिजिट तक पूछा है तो इसका मतलब 82.68 के अबव है, तो 82.69 भी हो सकता है,
हालांकि आप लोग चेक करिएगा कि फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, क्लियर है। कुछ आप लोगों को भी कैलकुलेशन करना है, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा फ्रेंड्स, ये भी बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का भी अभी फार्मूला बताया, 2l + b × h, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। 2l + b कितना हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स लंबाई आपको 5 मीटर दिया है, चौड़ाई 4, 5 × 4 कितना हो जाएगा 9, हाइट 3, 9 × 2 = 18, तरीका कितना हो जाएगा 54 वर्ग मीटर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, 3 घन प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरे के आधार पर एक दूसरे से जोड़े गए हैं, तो परिणामी घनाभ का पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स 3 घन है, जैसे ये 3 घन आपको दिया गया है, ये 3 घन है, इनको मैंने आपस में जोड़ दिया, ये 5, ये 5, ये 5, क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स लंबाई तो 15 हो जाएगी, जो चौड़ाई होगी ना फ्रेंड्स वो 5 ही रहेगी, वो हाइट भी 5 रहेगी, इस बात का ध्यान देना जब घन को आप जोड़ेंगे। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला अभी बताया फ्रेंड्स, 2lb प्लस का bh और प्लस का क्या होता है hl, होता है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही होता है, इज इक्वल टू lb बराबर करेंगे, lb कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, bh कितना हो जाएगा 5 × 25 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, और प्लस HL कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब 75 में 25 जोड़ दोगे, 100 × 175 यानी कितना हो जाएगा 2 × 175, 175 दूना कर देंगे, 2 × 5 = 10 हासिल लाइन 1, 2 × 7 = 14, 1 × 15 = 5 हासिल लाइन 1, कितना हो जाएगा 350, 350 cm² इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ही ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल था, ये SSC GD 2022 का सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स आप लोगों से कह रहा है, यदि एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², तो 4π तो कांस्टेंट हो जाएगा, रेडियस का मतलब 2 बार आप प्रतिशत परिवर्तन लगा देंगे, 2 बार लगा देते हैं तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 5 + 5 प्लस का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5 × 5/100 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 × 25 में 100 से भाग कर देंगे तो 0.25 यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड 10.25% ही इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स 5 स्टार लगा लीजिए, इस टाइप का सवाल बहुत एग्जाम में आता है, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर वाले किसी घनाभी कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स घनाभ की जो अधिकतम लंबाई का फार्मूला होता है या घनाभ का विकर्ण, √L² + b² + क्या होता है h², तो यहां से हो जाएगा √, देखिए फ्रेंड 10² हो जाएगा प्लस 6² हो जाएगा प्लस का 8² हो जाएगा कि नहीं। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, √10² करेंगे 100, 6² करेंगे फ्रेंड 36, 8² करेंगे 64। अब 36 64 को जोड़ेंगे 100, 100 कितना हो जाएगा √200, √200 को मैं लिख सकता हूँ 100 × 2, 100 तो बाहर हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 10√2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ही ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने चीजों को थोड़ा सा तेज बताया है, जिन बच्चों को एक बार में चीजें नहीं समझ में आती हैं दोबारा जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत मजा आएगा, क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और आप सभी लोग जो भी स्टूडेंट्स जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।